हेलो फ्रेंड, मैं विशेष शर्मा आपका टेक्निकल असेसमेंट में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 की, प्रॉब्लम नंबर 1 की। तो देख लेते क्या है प्रॉब्लम। उन्होंने बोला है कि एन अलॉय बार 800 मीटर लॉन्ग एंड 200 mm स्क्वायर इन अ क्रॉस सेक्शन इज हेल्ड बिटवीन टू रिजिड प्लेट्स एंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 200 किलोन्यूटन एज शोन इन फिगर। फाइंड द रिएक्शन एट द टू एंड्स ए एंड सी एज वेल एज एक्सटेंशन ऑफ द पोर्शन ए बी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है आपके सामने जो कि 200 किलोन्यूटन का है। 800 में से 300 वाला पार्ट ही है, 500 वाला पार्ट है। मैंने आपको पहले से बता रखा है कि यहाँ पे आपको रिएक्शन आर सी इस डायरेक्शन में लगेगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लोड है, वो मैंने लगा दी। और मैंने यहाँ पे देख लिया सिंपल तरीके से, मुझे दिखाई दे रहा है कि आर ए प्लस के आर सी इज इक्वल मेरा 200 किलोन्यूटन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। नाउ इन दिस केस जब मुझे ये वाली बात पता पड़ गई तो मुझे देखना है सबसे पहले कि बी सी पे मेरा जो लोड लग रहा है मेरा लग गया आर सी कंप्रेसिव जो दिखाई दे रहा है मेरे को। अगर मैं कंसीडर करूँ कि ए बी पे अगर मैं आर सी को ग्रेटर देन मानता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा आर सी माइनस के 200 जो कि मैंने कंप्रेसिव ही माना है आर सी माइनस के 200। एरिया कॉन्स्टेंट है आपके सामने, लेंथ अलग अलग है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि टोटल डिफॉर्मेशन 0 होगा। तो टोटल डिफॉर्मेशन इन ए बी प्लस के टोटल डिफॉर्मेशन इन बी सी इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो पी एल ओवर ए ही लगा देता हूँ। तो ए बी वाले पार्ट लेता हूँ सबसे पहले, ये ए बी वाला पार्ट है आर सी माइनस के 200 क्योंकि माइनस में है ये पूरा हिस्सा। ए की वैल्यू इसमें दे रखी है 300 ओवर ए ई, तो वो कट जाएगा तो वो भी माइनस में कंप्रेसिव, तो वो हो जाएगा मेरा आर सी इंटू लेंथ हो गई यहाँ पे 500 ओवर ए ई, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ देखेंगे आप ये कितना आ रहा है माइनस, या तो मैं कॉमन ले लूँ। अगर मैं माइनस जैसे ही कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो देख लीजिए, माइनस मैंने कॉमन ली तो ये हो गया आर सी माइनस के 200 इंटू 300, ये हो गया प्लस के आर सी इंटू 500 इज इक्वल 0। दो जीरो में हटा देता हूँ तो यहाँ पे बचेगा आपका 3 RC माइनस के 600 प्लस के 5 RC इज इक्वल 0। तो 3 + 5 हो जाएगा आपका 8 RC इज इक्वल 600। तो आर सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 600/8। तो अपन देख लेते कितना आएगा, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं सिंपल करने के लिए। 600/8 तो आर सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 75। और आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे 200 लगा हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा आपका 200 माइनस के 75, तो कितना हो जाएगा आपका 125 सिंपल किलोन्यूटन। तो ये दोनों रिएक्शन निकली मेरी, तो यहाँ देख सकते हैं 125 और 75 मेरी रिएक्शन आंसर सही आ गया। अब मुझे निकालना है डिफॉर्मेशन इन ए बी। तो डिफॉर्मेशन इन ए बी सिंपल, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या करना है फॉर्मूले की जगह वैल्यू लगानी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आर सी की वैल्यू कितनी थी मेरी, 75 75। तो यहाँ पे मेरा कंप्रेसिव कितना आ रहा है माइनस के 125। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे, कुछ मेरे को करना नहीं है। तो डिफॉर्मेशन इन ए बी इज इक्वल पी एल ओवर ए ई होगा। पी की वैल्यू मेरी यहाँ पे जितनी है वो आप देख लेंगे, तो जो कि आर ए की वैल्यू के बराबर आ रही है। की वैल्यू मेरे पास 125 × 10³, और इसकी जो लेंथ दे रखी है उधर के 300, एरिया की वैल्यू आपको दे रखी है 200। और उसने बोल रखा है कि यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो दे रखी है इसने अलॉय वार, और यहाँ पे ई की वैल्यू उसने क्या दे रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने ई की वैल्यू गिवेन ही नहीं दी क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे ऐसे लिखा भी नहीं स्टील है ये कॉपर है। तो जिसके हिसाब से मैं लगा सकूँ कि ये स्टील होता तो 200 × 10³ मेगा पास्कल लगा देता, अगर ये कॉपर होता तो 100 GPa लगा देता, एल्यूमिनियम होता तो 80 GPa लगा देता। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम छोड़नी पड़ेगी कि इनसफिशियंट डेटा की वजह से। तो यहाँ पे आपको पता पड़ गया कि 75 और 125 कैसे निकला, तो वो आपको आना चाहिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।